याद आया कि काफी लोग मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं कि आपने ये जो चॉपर है कहाँ से लिया है, चॉपर आप समझ रहे होंगे चॉपर किसको बोलते हैं, आपने टी शर्ट कहाँ से ली, आपने ये कर्टन्स कहाँ से लिए। तो मैं आपको पहले बता दूँ, मेरा लिंक, एक लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, ठीक है। आप उसमें क्लिक करना तो आपको बहुत अच्छे उसमें बर्तन कपड़े वगैरह जो भी है अच्छे अच्छे कपड़े और रीजनेबल रेट है, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करना तो आपके वहाँ उसमें लिस्ट निकल के आ जाएगी, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। इसको ना लॉलीपॉप का चस्का बहुत बुरा डाल दिया यार, मैं क्या करूँगा, पता है कि परेशान मुझे करता है और किसी को परेशान नहीं करता। ये देखो अच्छे लॉलीपॉप का चस्का, उसको पहले था नहीं लेकिन हाँ 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 वैसे लॉलीपॉप जो उसको मंगानी है ना, कैसे मंगाता लॉलीपॉप बता जरा मौरी, मौरी लॉलीपॉप जो आप मंगाते हो तो कैसे मंगाते हो? अरे दादा तो लॉलीपॉप लाते हैं ना, मंगाते कैसे हो आप लॉलीपॉप? क्या खाते हो आप? लॉलीपॉप पे चस्का डालने वाली है इसकी मम्मी, जो मम्मी है, जब मम्मी को परेशान करता है तो कभी आपने किया कि हाँ मैं ही, मेरे पास कभी परेशान नहीं करता, तेरे पास ही क्यों परेशान करता है? डाल सकते थे ना इसको अगर चाहते तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी परेशानी तेरे पास ही क्यों बताता है, मेरे पास क्यों नहीं बताता है? मौर्या मौर्या आप लॉलीपॉप खाने लग गए यार, आप गंदे बच्चे हो गए। अभी मेरा फोन एक घंटे से चला हुआ, अंदर से भी बंद ही कर दो। अच्छा एक घंटे से चला हुआ है? हाँ। तो मैंने चलाया था, चलाया तो इसमें तब बंद तो कर सकते थे। तो जब तू अंदर कैसी थी, तू भी तो चला सकती। मैंने कब किया, मैं मतलब फोन तू चलाया बंद मैं करूं? अरे इसने चलाया। भाई लंच करा दे, तू तो लंच भी नहीं करा रही है। और लंच तूने बोला कल की परसों की घिया बनाई हुई, कहता उसके साथ ही हम बस वही चावल खाएंगे हैं, मतलब टल रही है खाना बनाने से, बात यही है। बढ़िया सा पुलाव बना, टेस्टी सा पुलाव बना, बिरयानी पुलाव बना, वेज पुलाव बना, कश्मीरी पुलाव बना। मैं अपने खाना, अपने हाथ का खाना खा के तो मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं पसंद नहीं, क्या बस तेरे को तो जितना मर्जी कर लो तेरे लिए उतना बेकार है। लास्ट टाइम कब बनाया था? जब भी बनाया था बनाया जरूर था। बात इतने दिनों बाद में आया हूँ तो मुझे बासी खाना खिला रही है, घिया खिला रही है। देखो जी इसके हाल, मैंने सोचा कुछ बढ़िया बनाओ, कुछ राजमा चावल बनाओ, कुछ बढ़िया जैसा बनाओ कुछ। चार पांच दिन बाद आया हूँ, बंदी खाना खाने खिलाने से, खाने से चलो ना, खाने से तो टलती नहीं ना, लेकिन बनाने से इतना टलती है। इसको तीन चार दिन हो गए घिया को बनाए हुए। किस तरह हॉनेस्टली बताइए कितने दिन हो गए इस घिया को बनाए हुए? देखो जी परसों की, परसों की इसने मुझे घिया बनाई हुई है और मैं कम से कम चार दिन बाद शिमला से आया हूँ, और चार दिन शिमला से आने के बाद मुझे आज चार दिन घर में खाना मिल रहा है, चार दिन बाद तो बासी खाने के साथ शुरुआत हो रही है मेरी। अब क्या बोले है, अब ऑप्शन ही यही खाना ही पड़ेगा क्योंकि लंच का टाइम हो गया हुआ है। और फिर मैंने आपसे सुबह क्या पूछा था, क्या कि क्या खाओगे, क्या खाओगे आप लोग? नहीं मैंने ब्रेकफास्ट में पूछा था, मैंने ब्रेकफास्ट में बोला था कि ब्रेकफास्ट में खाऊंगा मैं। फिर तुमने पूछा मैं लंच में, मैंने लंच में घिया तुमने खा लेने, तुमने कहा ना हां, लेकिन तूने मुझे ये नहीं बताया था कि घिया परसों की बनाई हुई है। आपको इतना कॉमन सेंस है? कल तो अच्छा मुझे कॉमन सेंस होनी चाहिए। कल तो हम दीदी के पास जो मर्जी है कंप्यूटर दिखाओ कि प्रोटीन बटर बचाओ पनीर खा लिया। अरे भाई ये प्रोटीन में पनीर खा लिया मैंने, मान लिया इसमें बुरा क्या है? हबो बिल्ड नहीं, बिल्कुल कौन सा जो प्रोटीन मैंने जो लेके आया वो तो मैं खत्म करूं, वो तो खत्म करो उसके बाद कुछ नहीं खाओ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उससे, ठीक है? हाँ ये मुझे प्रोटीन खाने से रोक रही, बोल रही आप प्रोटीन नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे प्रोटीन। आपको बॉडी ऐसी चाहिए, तो वो जो मैं प्रोटीन जो खाता हूँ वो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? और ISO जिसको बोलते हैं ना, सर्टिफिकेट है ISO का, सर्टिफिकेट है ISO, हाँ ISO होगा हाँ, तो वो मैंने मंगाया तो गलत क्या किया है इसमें? नहीं, अब नहीं खाओ, जो है उसको खाओ। ये अनारस के अभी तक चले हुए जो मैं लेके आया था, एक ही बचा था, कल नहीं खिलाया ना, कल मैं थी नहीं, यहां पे ही बचा हुआ अनार का किलो लाया था, खत्म कर दिया वो उसने। तो लंच तैयार है, अभी कितना टाइम लगेगा? अभी तो अभी सामान लाने को क्या क्या खाली हुआ हो, यहाँ तो कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा मेरे को खाली होने का। ये मेरी टैबलेट ऐसी की ऐसी बची हुई है ना, तो बस हम लोग अब लंच कर लेते हैं, लंच के बाद लास्ट में जब हम लोग लंच कर लेंगे हमारा वही स्टाइल है, चाय बनाने की हमारी हमेशा लड़ाई रहती है, लेकिन चाय बनाएंगे। यार तू क्यों ऐसी बातें करती है यार, बना दिया करना, क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता, तू चाय बना रहा हूँ। चार दिन बाद आए तो अपनी पत्नी की सेवा करो। चलो जी बंदी बोली चार दिन बाद आए अपनी पत्नी की सेवा करो। चार दिन मैंने कैसे काटे, पिछले 10 सालों से सेवा ही कर रहा हूँ उसकी मैं, लेकिन ये बंदी मजा आ लेगी। पता नहीं औरतें इतना झूठ क्यों बोलती है अब, मतलब नहीं मेरे को एक बात, मैं हमेशा सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ, तुम लोग सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? नहीं तो सच बोलने की तुम लोग हिम्मत क्यों नहीं रखते? मुझे एक बात चाहिए बताओ, लड़कियां झूठ क्यों बोलती हैं? क्या झूठ बोला यार मैंने?
हाँ तो फिर ऐसे क्यों बोल रही कि चार दिन बाद आए तो सेवा को, सेवा तेरी कब नहीं करी बता जरा, तो अब कर दो, चार दिन बाद मैं भी एंजॉय ले लूं। तुम्हें पता है कैसे करती हूं कि मैं मॉरे के साथ, हां कुछ नहीं होता मॉरे के साथ, ड्यूटी भी जाना। अपने से मुंह से बड़ा तो सेब डालता है, कमजोरी आई मेरे को बोल रही सेब खा लो, कमजोरी आई होनी। ये देख पहले भाई जी जो मुंह में पहले वो तो खा लो, मॉरे नहीं बेटा मत मार, स्टंट मत मार। लंच तैयार है? नहीं है? तो टाइम हो चुका है 5:30 और हम बना रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, अरे जो तू बना रही है वो पता क्या बोलते, फुल बढ़िया। और किसने सरसों के तेल में बनाएगी? तो किस चीज का तेल है? राइस ब्रेन। तो ये राइस ब्रेन ऑयल, राइस ब्रेन यानी चावल का बना हुआ तेल। हाँ तो क्या है, जौ, किस चीज का, जौ, अच्छा जौ का बना हुआ तेल है ये, ओके राइस ब्रेन यानी जौ का बना हुआ तेल है। तो इस टाइम हमारे को ना शाम को थोड़ी भूख लग जाती है, 5:30-6 बजे हम जब भी सो के उठते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को स्नैक्स में चाहिए, तो स्नैक्स के तौर पे हमारे को कुछ ना कुछ खाने के लिए साथ चाहिए। अभी दिखाता हूँ आपको कि फुल बढ़िया बना रही है, फुल बढ़िया। और मोर है वो बैठा अभी सो के उठा, ये भी मेरे साथ, क्योंकि मैं दिन में अक्सर सोता नहीं हूँ लेकिन पहली बार सोया हूँ आज, मैं कभी दिन में सोया नहीं लाइफ में, बहुत कम, बहुत रेयर सोया हूँ। चलो जी दिखा जरा फुल बढ़िया, ये देखो जी ये है फुल बढ़िया, फुल बढ़िया। कहाँ है कैंडी? अच्छा कैंडी मांग रहा मोरे, कैंडी मांग रहा, इसको कैंडी का जो है मैंने चस्का डाला हुआ है, ये देखो मोरी लो। तो मोरे जो है ना, नहीं नहीं कैंडी खाता है, क्यों नहीं खाता है? कम फेंकेगा ज्यादा। नहीं मोरे फेंकना नहीं है, मैं आंवला खिलाता हूँ उसको, प्लेन आंवला। आप भी अपने बच्चों को खिलाया करो प्लेन आंवला कैंडी। मसाले वाले कई बार बच्चे पसंद करते हैं, कई करते हैं कई नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इसका जो रूटीन देखा कि मसाला वाला कैंडी कम लाइक करता है, प्लेन कैंडी ज़्यादा लाइक करता है। तो आँखों के लिए बहुत अच्छा है अगर कैंडी, अगर आपके बच्चे खाते हैं आंवला कैंडी तो दिया करो आप उनको, शाम के टाइम में दे दो, यानी अगर हम उनको 5 या 6 पीस दोगे तो मेरे ख्याल से वो आपका 3-4 ग्राम का बन जाता, तो इतना बहुत होता है बच्चे के लिए पूरे दिन का। तो आजकल बाई बाई बोलना सिखाओ इसने, यानी भाई को बाई बोलता है। मोरी बोल के दिखाइयो, बाई। तो अभी इसको फिलहाल हमने कैंडी दी है, कैंडी खाएगा, फिर उसके बाद उसको हम स्नैक्स के तौर पर बच्चों को हम जो है दे ही देते हैं, आप भी दे सकते हो। तो चाय के लिए पानी, मौसम जो है बाहर ख़राब हुआ है, ख़राब है मौसम बाहर, हाँ पहले ख़राब था, थोड़ी धूप निकली हुई है। अच्छा अदरक वाली चाय बना ली बंदी, ओ मुए आज तो सिंदूर बड़ा लंबा चौड़ा पाया हुआ आज तो, जिंदगी कभी इतना लंबा सिंदूर डालती नहीं है, आज बड़ा लंबा सिंदूर आया हुआ आज, लग रही तू मतलब छेक, मतलब जिसे बोलते ना एक प्रॉपर इटालियन तरीके में होना चाहिए वैसे तू है आज दिखी नहीं तो छोटा सा ताई वाली याद आती है, ताई ने जब वीडियो बनाई थी ताई ने बोला था, नहीं ताऊजी ने बोला था लंबा सिंदूर लगाना चाहिए हमेशा, जो है पति की उम्र लंबी होती है अगर आप लंबा सिंदूर लगा रहे हो, नहीं बोल रहे अगर आप लंबा सिंदूर लगाते हो, अगर आपका हस्बैंड आपको सुबह लंबा सिंदूर लगाता हुआ देख ले तो उसकी लंबी उम्र हो जाती है, ये तेरे सामने तो ये बात तेरे सामने भी बोली थी ताई ने, बोली थी ये बात, बोली थी ना। तो काफ़ी लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो अभी हम लोग जो है स्नैक्स खा लेते हैं, और स्नैक्स खाने के बाद देखते हैं शाम का रूटीन क्या होगा क्या नहीं डिनर का। फिलहाल 5:30 बजे, 5:30 बजे के बाद देखते हैं क्या करते हैं और मिलते हैं रात को डिनर में। तो ये जी हमारा शाम का स्नैक्स जो बन के रेडी हो चुका है चाय के साथ। सॉस क्यों, सॉस के साथ क्यों खाती है इसको, मैं भी देखूँ आज सॉस के साथ खा के। तो देखो ये है हमारा स्नैक्स शाम का, इवनिंग स्नैक्स और सॉस और चाय, और गिनो लेके आया था बिल्कुल प्लेन वाला, प्लेन वाला ऑर्गेनो वाले, हालांकि ये चाट मसाले का पैकेट लग रहा है आपको, ऑर्गेनोज बोलते हैं, ऑर्गेनो ही बोलते हैं, तूने मुझे भी बुला दिया इसके चक्कर में, बोला ऑर्गेनोज ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं। तो अभी हम जो है खा लेते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, शाम का देखते हैं शाम को क्या बना रही है। काली तोरी तो बोल रही, मैं शाम को काली तोरी बनाऊँगी और अभी थोड़ा पेट पूजा की जाए, फिर शाम को देखते हैं कि क्या होता क्या नहीं, क्या बनना चाहिए लंच में क्या। तो हम लोग अभी बस जस्ट जो है स्नैक्स खा के अभी अभी हटे हैं, और समझ भी नहीं आ रहा कि जो डिस्कशन मुझे आप लोग के साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब इससे पूछूंगा कि मुझे वो चीज़ बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए ब्लॉग में, क्या लगता है तेरे को बताना चाहिए मेरे को? दो, दो,
जो भी मेरे साथ हुआ हादसा, हादसा मतलब एक हादसा बता रहा हूँ, इंसिडेंट जो हुआ वो बताना चाहिए बताना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए ये इसके पीछे बहुत बड़ा राज भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर भी है, काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और जो भी हुआ था बस बार बार बच गया हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, और थोड़ा सा मतलब इतना पॉइंट जो है मैं बचा हूँ वो आप बोल सकते हो कि मेरे माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म है या फिर मेरे अच्छे कर्म है कि जिससे कि मैं बच। तो जो हुआ था बस जो भी था ठीक था, बच गया सही सलामत है, आज यहाँ बैठा हूँ 5-6 दिन बाद शिमला से यहाँ पर आया हूँ। 5 दिन लग गए मुझे यहाँ पहुँचने में और 5 दिन से मैं शिमला में ही था। कब निकल गया था मैं शिमला? 2 तारीख को, 3 तारीख को मैं शिमला निकल गया था। 3 तारीख को मैं, 3 तारीख को गया ना शिमला में, हाँ 3 तारीख को मैं शिमला निकल गया था, 3 तारीख को शिमला। तो आप आइडिया लगा लो कि 7 तारीख को मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो ये 8 तारीख का ब्लॉग है, 8 सितंबर 2021 का ये ब्लॉग है। तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पहले उस चीज़ पर डिस्कशन करनी पड़ेगी कि मुझे ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए या नहीं। तो ठीक है, और खुश है बंदी भी कि मैं सही सलामत पहुंच गया, क्यों इसको डर था नहीं तो इसको डर था, इसको बस ये डर था कि सही सलामत बंदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा बस, क्यों देखियो रोने वाली बंदी ने रो जाएगी देखो, मैं नहीं ये थोड़ी देर में रोने वाली, देखो देखो इसकी शक्ल देखो, ये थोड़ी देर में रोने वाली है, रो भी सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जैसी मेरी कंडीशंस थी और जिस कंडीशन से मैं बाहर निकला हूँ वो मैं ही जान सकता हूँ। तो अभी नहीं बताऊँगा, अब आपको हिंट मिल ही गया होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कमेंट्स करके बता देना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि ये बोल रही है कि ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया है कि मैंने कहाँ बताया आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बताया, कमेंट्स करके बताना, बताया आपको ऐसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग जब आएगा 9 सितंबर का, तो 9 या 10 सितंबर का, उसमें मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, और कुछ फोटोग्राफ्स ये चाहे मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगा, आपको सबको पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। क्या कर रही है? डिनर बोल रही काली तोरी बनाऊंगी। मेरी ना सबसे अच्छी सब्जियां जो लोग नहीं खाते ना उन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ। तोरी कमेंट्स करके बताना कि कितने लोग खाते हैं। टिंडे सबसे ज़्यादा कौन खाता है ये भी बताना। मैं तोरी टिंडे मतलब जो लोग जिस सब्जी को देखना पसंद नहीं करते ना, लाइक मैं उस सब्जी को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, पता नहीं क्यों। अब टिंडे मेरे फेवरेट है, तो बस बनाने आने चाहिए। तोरी मेरे जैसे आपने उस दिन बनाया था ना, हाँ वो तो उस हिसाब से तो बंदा कभी ना खाए। ये हो रही कि जैसे उस दिन बनाया था ना आपने ऐसे टिंडे, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, जब मैंने टिंडे में तुड़का मारा ना, तो तुड़का ऐसा मारा कि उसमें पानी पानी जो था उसमें टिंडे तैर रहे थे गोल गोल करके, और टिंडे के पता कितने इतने बड़े बड़े पीस थे, और ये बोल रही इतने बड़े बड़े पीस, एक टिंडे के 4 पीस थे आपने उस दिन किए हुए ना, एक टिंडे के 4 पीस नहीं किए थे, एक टिंडे के 2 पीस किए हुए थे। तो एक टिंडे के इतना साइज था टिंडे का ना, तो मैंने उसको 2 पीस किए थे, मैं सोच रहा हूं गाड़ी गाड़ी सब्जी ऐसे लग जैसे नींबू का अचार है। हाँ तो ये बोल रही उस दिन तो भैया तुम टिंडे बनाना रहने देना, मैं ही बना दिया करूंगी। तो मुझे अच्छे लगते हैं टिंडे की सब्जी, तोरी और करेला, करेला जो है ना मुझे भरुआ पसंद है लाइक, ठीक है। और कौन कौन सब्जी जो नहीं खाते लोग, कौन कौन सब्जी जो मैं लोग नहीं खाते ज़्यादातर पसंद नहीं करते, कौन कौन सी सब्जी हो सकती है वैसे, कमेंट्स करके बताना कि कौन कौन। हाँ कद्दू भी नहीं खाता, कद्दू बनाना आना चाहिए, कद्दू भी मैं खा लेता हूँ लेकिन कद्दू बनाना आना चाहिए, आंवला कद्दू इसको बोलते हैं ना, बस बड़े बड़े पीस और हार्ट जैसे पीस, जो उसका जो हलवा बना देते हैं ना वो जैसे हलवा होता है ना वैसा बना देता है, वैसा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसको बड़े बड़े पीस रखने होते हैं, हमारे शादी ब्याह में बनाते हैं आंवला कद्दू, इतने बड़े बड़े पीस रखते हैं, और थोड़ा जो कद्दू का जो पीस होता है थोड़ा हार्ड हो जाए, मतलब ईजिली उसको खा सकते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 9:09 हो गए, और हम लोग बस अभी जस्ट डिनर करके हटे हैं। तोरी बनाई थी ज़्यादा खास कुछ ज़्यादा स्पेशल था नहीं, तो मैंने सोचा क्या रोटी खाते हुए या फिर तोरी दिखाते हुए, सब तोरी बनाते बनाते, लेकिन तोरी किस तरीके से बनती है जरूर बताना मेरे को कि तोरी नहीं, तोरी जो है ना लोग मतलब सबका अपना अपना स्टाइल होता है तोरी बनाने का। आज इसका जो स्टाइल था तोरी बनाने का, इसे जब तोरी बनाई उसमें आलू ऐड कर दिया, तो मैं तो हॉनेस्टली बता रहा हूँ मैंने तो पहली बार ही तोरी वाले मतलब तोरी के साथ आलू का कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो हम लोग अभी बस
जो है डिनर करके हटे हैं, ठीक है। मॉर्निंग के लिए सुबह के लिए बादाम, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा बादाम भिगोता हूँ, तो बादाम मैंने मॉर्निंग के लिए भिगो दिए हैं 3 बादाम। जब पूरे 3 साल का हो जाएगा 4 बादाम, जब पूरे 4 साल का हो जाएगा 4 बादाम, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये है कि मैं अपनी थाली जो है ना खुद ही धोता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन इसकी थाली हमेशा ये जो ऐसी बड़ी रहती है, मैं थाली धो के मैं अपने तो मैंने और भी धोने पड़ते थाली धो के हट चुका था, और इसकी थाली देखो अभी वहीं की वहीं है यार। तो मैं भी इसने मतलब इसने अपनी थाली नहीं धोई। अरे मैं धोऊंगी यार, दूध के बर्तन भी धोऊंगी, दूध के बर्तन। तो फिलहाल ये 8 सितंबर का ब्लॉग है, इसको ही एंडिंग करता हूँ मैं, ठीक है। और बादाम मैंने मोरे के लिए भिगो दी है। We'll be right back.